तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक 1 एम्पियर 5 वोल्ट का पावर बैंक मॉड्यूल ले रहा हूँ। तो पहले तो इसे सोल्डर आराम से वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्डर हो चुका है वायर, तो ये जो है आपको आराम से 60-70 रुपीज़ में मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। तो यहाँ पर हमने सोल्डर कर लिया, तो इसे सप्लाई देने के लिए हम एक 3.7 वोल्ट की 1200 mAh के लिथियम बैटरी का यूज़ कर रहे हैं। आप जो है 2 बैटरीज का भी यूज़ कर सकते हो, तो जो है 2020 mAh का ही होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने एक PVC शीट ले ली है जिसके ऊपर हम बनाने वाले हैं, और ये जो है हम काफ़ी छोटा साइज़ का बनाने वाले जो कि पोर्टेबल हो और अच्छे दिखे। तो पहले जो है हम इसे चिपका देते हैं जल्दी से जल्दी। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर मैंने चिपका दिया फैब्रिक से इसे। तो हमने जो है आगे का साइड का भी कटआउट किया है। तो हमें जो है पहले पावर बैंक मॉड्यूल का साइज़ मापना है, तो चलिए इसका साइज़ मापते हैं। तो उस तरीके से हमें कट करना है, मार्कर से जो इसकी हम साइज़ माप रहे हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने कट कर लिया और सब कुछ मैंने चिपका दिया। बैटरी पर भी 2 वायर सोल्डर कर लिए। आपको इसके कनेक्शंस पता है, काफ़ी इजी है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऊपर से भी इसे कवर कर दिया। देख सकते हो काफ़ी अच्छा ये लग रहा है, देख सकते हो आप लोग। अब इसे जो है आपको थंबनेल में कलर किया हुआ दिखेगा। अभी मैं कलर करता पर इसे सूखने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसीलिए, और मुझे जो है वीडियो जल्दी से जल्दी आपको देना था। तो आपको जो है मैं मेरी वॉच चार्जिंग करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो आराम से वॉच चार्जिंग हो रही है। आप अगर पावरफुल बैटरी और लगाओगे तो ये जो है फास्ट चार्जिंग भी होगा। देख सकते हो मेरी वॉच भी चार्ज हो रही है। तो मैं आपको और भी 2 चीज़ें टेस्ट करके दिखा देता हूँ चार्ज करके। तो अब जो है मैं आपको मेरी एक रिमोट, मैंने जो एक कार बनाई थी RC कार रिचार्जेबल, तो उसे जो है मैं चार्जिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पिन लगा दिया और आप देख सकते हो इसके अंदर रेड लाइट इंडिकेट करने लगी है। तो आप देख सकते हो ये जो चार्ज हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो अब जो है आपको मैं मोबाइल चार्ज करके दिखा देता हूँ।